हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। गुड आफ्टरनून। आज हम हैं सवाई माधोपुर में रणथंभौर के किले में। आज पूरे किले का टूर होगा। चलो आगे चलते हैं। टूरिस्ट कम है वैसे, अभी मौसम के हिसाब से ऑफ सीजन है तो थोड़े कम है। बाकी ये किले का पहला एंट्रेंस है और ये है बाहर का नजारा, पूरा रणथंभौर अभ्यारण्य। ये किले का पहला गेट है। चलो आगे चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर अमीर का घोड़ा सीधा चढ़ गया था, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। ये अगला दरवाजा गणेश पोल, गणेश जी की मूर्ति। ये रहा अगला दरवाजा, दरवाजा नंबर दो, गणेश पोल। अगला दरवाजा सबसे विशाल, अब तक का सबसे भव्य और विशाल। इसको गेट को त्रिमुख गेट बोला जाता है। आगे चलते हैं। ये इतिहास, ये रास्ता है गणेश मंदिर के लिए। यहाँ से होकर हम आए थे। चलते हैं। ये श्रद्धालु गणेश जी के, इधर एक कुंड है पानी का। चलो देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए तालाब में पानी भरा हुआ है, काफी और तालाब के किनारे छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं दूर। और ये रास्ता है जिससे हम आए थे, वहां के आगे उधर मस्जिद भी है, एक मस्जिद एरिया है। चलो यहाँ तक एरिया कवर हो गया, आगे चलो। तो ये किले का वो कुंड है जहाँ पे रानी ने जौहर किया था,
रानी हीरा देवी ने अपने साथ की किले में रहने वाली सभी दासी महारानी सबके साथ मिलकर इसी में जौहर किया था। तो जब उसने जौहर किया था तो जैसे ही राजा को पता चला अमीर देव को की गलती से जौहर कर लिया तो उसको बचाने के लिए आए थे जल्दबाजी में। देखो ये महल चलिए आगे चलते हैं। अब हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, थोड़ी देर में मंदिर में एंटर कर जाएंगे। चलिए ये छोटे छोटे मंदिर हैं, ये देखो छोटे छोटे कितने सारे वानर लोग। मंदिर ये खच्चर आ रहे हैं, ये मंदिर है, ये मंदिर है, मैं मंदिर कुछ मार्केट ये मंदिर है। संपूर्ण भारत में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पूरे भारत में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है जिसमें तीन नेत्र वाले गणेश जी का मंदिर है, एकमात्र है ये। ये देखिए गाइस, ये मंदिर है कोई सा, इसके बाहर से इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। रणथंभौर की पहाड़ियों के बीच ये जोगी तालाब जो दिख रहा है इसका बेहतरीन, काफी शानदार। और ये कुछ मंदिर है, कुछ इस तरह है, खंडर है वैसे, इसमें पूजा पाठ तो होता नहीं शायद, एक घंटी लगी हुई है। चलिए उसको बजा लेते हैं अपन, ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है। और ये देखिए ये क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद ओखली है। चलिए यहाँ से चलते हैं, ये मंदिर का है चिट सामने, 32 खंभों की छतरी नजर आ रही है, ये महल। बाकी ये नज़ारे कुछ कुछ जैसे हड़प्पा सभ्यता कैसे नज़ारे कुछ दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है 32 खंभों की छतरी जो कि राजा हमीर देव के पिताजी को समर्पित है साहब। और ये जो सामने दिख रहा है किले का मुख्य महल है। अभी जर्जर अवस्था में है तो इसके अंदर एंट्री बंद है। इसके सामने ये खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है और इसके बिल्कुल सामने फ्रंट पे ये छतरी है जो कि 32 खंभों की छतरी के नाम से फेमस है। 32 खम्भे हैं, इसके चारों तरफ चारों कोनों पर चार गुम्बद बने हुए हैं, जैसे एक ये रहा, एक उस कोने पे वो रहा, एक वो, और एक ये महल की तरफ जो लास्ट में दिख रहा है। क्योंकि यहाँ के आसपास के नज़ारे दिखा देते हैं आपको, ये देखिए दूर जो दिखाई दे रहा है जोगी तालाब, इसके पास ही कहीं जोगी महल है, वहाँ पे एंट्री बंद है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। ये 32 खंभों की छतरी दूर से कुछ ऐसे दिखती है, काफी सुंदर दिखाई दे रही है। ये था रणथंभौर का किला,
ये इसकी दीवारें दिखाई दे रही हैं। अभी दिन ढलने लगा है तो अपने भी चलने का टाइम हो गया है। ये इसका गेट, इसका रास्ता है नीचे जाने का, और वो बिल्कुल एक्सिट पॉइंट है। यहाँ पर पार्किंग लगी है। ये पूरा तालाब दिखाई दे रहा है और दूर दूर तक पहाड़ियों के बीच में बने बने पेड़ है। पूरे रणथंभौर क्षेत्र है। चलिए आज का ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और नए रोचक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।